प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी जो औषधि होती तो बहुत छोटी है मगर हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में कई बीमारियों में फायदा उससे होता है। उस जड़ी बूटी का नाम है अलसी बीज। इसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है और ये फ्लैक्स सीड बहुत आयुर्वेदिक कंपनी इसको पैक करके बेचती है और वैसे ये आयुर्वेदिक दुकानों पर खुला भी मिल जाता है और कंपनियों के ब्रांड्स में भी इजिली अवेलेबल। बट ये होता क्या है? इसको तीसी के बीज भी कहते हैं। सफेद, पीले, लाल, काले रंग के होते हैं, नुकीले होते हैं, चपटे और चमकदार होते। ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए हमारे लाभदायक है? वो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारे हृदय को कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, लेडीज की जो बड़ी हो जाती है उनकी मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बहुत फीमेल्स को फायदा करता है। इसके अलावा कैंसर, जो हमारी पाचन शक्ति का सिस्टम है, डाइजेशन है, वो तंदुरुस्त रहता है और हमारे शरीर के अंदर जितनी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर कर देता है, हमारे हेयर ग्रोथ को सब तरफ से स्वस्थ रखता है, बाल काले रहते हैं, बाल झड़ते नहीं है, चमकीले और सुनहरी रहते हैं, स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दाद खुजली वगैरह पिंपल्स उसमें फायदा करते, ये सब तो करते हैं। इसके अलावा जो आजकल वजन बढ़ जाता है सबका, उसके लिए भी ये वेट लॉस करने में दवाई अपना सामर्थ्य खूब रखती है। इससे हमारे शरीर की जो प्रोटीन की कमी होती है वो ठीक हो जाती है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। अब बात यह है इस दवाई का सेवन किस प्रकार से किया जाए। इस अलसी के बीजों को हल्का सा धीमी आंच में भून लें, उसको शहद के साथ या रात को भिगो के रख दें, सुबह वो वाला पानी पी लें और बीजों को चबा चबा के खा जाए, या जो हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उसमें पिसे हुए इसके चूर्ण को उस रोटी में मिलाकर भी हम खा सकते। तो इससे जो जनरल बीमारियां होती है जैसे कफ का आना, गले का बैठ जाना या कभी कभी नींद ना आए, आंखों की बीमारी हो, आंख का आना, उसमें भी फायदा करती है। सिर दर्द भी इससे अगर हम उस बीज को दूध में डाल के पिए तो उससे रिलीफ मिल जाता है। इतनी अनमोल औषधि आयुर्वेद हमारे शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखती है। कुदरत ने हमें समय समय पर कई प्रकार की खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियां हमको स्वस्थ रखने के लिए बनाई और हम उनका सही तरीके से रोग करते नहीं। अगर किसी को ये लेने में कोई एलर्जी होती है या किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और गर्भवती स्त्रियां इसका प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।